हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, जुड़ेंगे एक बार फिर से, बात करेंगे एक बार फिर से रेलवेज की। सभी का स्वागत है सेशन में और सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो जल्दी से जुड़ जाएगा मेरे साथ और कर दीजिएगा वीडियो को शेयर, जितने भी लोग यहां पर मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। तो जल्दी से इसके बाद हम आगे बात करेंगे आज के टॉपिक की, जो कि एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट इसलिए कि एक से दो क्वेश्चन आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे रेलवेज़ का, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और फटाफट से सभी लोग जो है शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद आगे हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो जैसा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोमन जी, सुखदीप, ब्रजेश ऑफिशियल, मीट्यूब और अलग अलग जो है यूजर नेम वाले व्यूअर्स यानी कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी का स्वागत, सभी का हार्दिक अभिनंदन। बात करेंगे आज हम यहाँ पर एनालॉजी की, और आज के सेशन की एक खास बात ये भी है, जैसा कि मैं पिछले कुछ सेशंस में अगर मैं इंग्लिश में क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन लाता हूं तो हिंदी वाले परेशान हो जाते हैं, और हिंदी में लाता हूं तो इंग्लिश वाले परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आज के सेशन को मैंने रखा है बायलिंगुअल, यानी कि आज मैं बात करूंगा यहां पर हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, वो भी एक साथ एक ही सेशन में। तो आपके कंफर्ट का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। और श्री कृष्ण जी, मैं बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी बहुत अच्छे होंगे, सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलिए बात करेंगे आज हम सेशन की, यानी कि आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे एनालॉजी। एनालॉजी को अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है समरूपता, यानी कि किन्हीं दो चीज़ों का एक समान होना, सिमिलर होना। अब यहाँ पर सिमिलर होने के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्रशांत चौधरी जी बिल्कुल आपका नाम भी लिया जाएगा, आपका भी स्वागत है। और सिमिलर होने के लिए क्या होता है कि आपको देखिए यहाँ जो एनालॉजी होगी वो नंबर्स के बीच हो सकती है, अल्फाबेट के बीच हो सकती है, कंट्री कैपिटल के बीच हो सकती है, करेंसी के साथ जो सिमिलरिटी हो सकती है, और आपका फिजिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, बहुत सारे हमारे पास में ऑप्शंस होते हैं। एक आपका जनरल नॉलेज पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम रखेंगे ज़रूर और सारी चीज़ें देखेंगे। और प्रवीण जी कह रहे हैं सर मैं नया हूँ, तो बिल्कुल आपका स्वागत है भाई, जितने भी हमारे नए व्यूअर्स हैं। और कह रहे हैं क्वेश्चंस तो सर सेम होते हैं, देखिए क्वेश्चंस सेम होते हैं तो मैं आपकी बात को समझा नहीं ऑफिशियल मीट्यूब जी। हाँ बिल्कुल क्वेश्चंस सेम होते हैं, बिल्कुल बात आपकी सही है, लेकिन क्वेश्चंस भले ही सेम हो लेकिन उनको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रखा गया ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। और दीपक जी सिक्किम से हमारे साथ जुड़े हैं भाई, स्वागत है आपका। तो जल्दी से सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे और पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फटाफट से, और देखेंगे आज का पहला प्रश्न क्या था, यानी कि पहला हमें क्वेश्चन दिखाया जाए, पहले हमें स्लाइड दिखाई जाए टेक्निकल टीम, जिससे कि जल्दी से हमारे सभी व्यूअर्स क्वेश्चन का आंसर दे पाएं। और 30 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये यहां पर लिखा है, और आपको टाइम बाय डिफॉल्ट आपको अपने एंड से सेट कर लेना है, ठीक है, मतलब 30 सेकंड्स आपको खुद ही एज्यूम कर लेने हैं। और यहां पर बिल्कुल अब ये भी स्टार्ट हुआ है शो, जो सेशन है आर के जी। तो जल्दी से बताएंगे, स्क्विंट इज रिलेटेड टू विजन, सिमिलरली स्टैमरिंग इज रिलेटेड टू माउथ, हियरिंग, स्पीच या फिर टंग। तो ये आपके सामने जो है ऑप्शंस हो गए। अब इसको मैं हिंदी में भी दिखा देता हूँ, लिखा हुआ भेंगापन, दृष्टि, तो वाक्स्खलन किससे रिलेटेड है, मुंह, सुनवाई, भाषण या फिर जीभ। तो जल्दी से यहाँ पर आंसर मुझे बताएंगे, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में दिखा दिया, ठीक है, सभी को दिख जाएगा। तो मैं एक बार फिर से इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ, स्क्विंट इज रिलेटेड टू विजन, यानी स्क्विंट जिस तरह से विजन से रिलेटेड है उसी तरह स्टैमरिंग किससे रिलेटेड है, माउथ से, हियरिंग से, स्पीच से या फिर टंग से। इन हिंदी में फिर से दिखा देता हूँ, भेंगापन जिस तरह से दृष्टि से रिलेटेड है, इस तरह से वाक्स्खलन किससे रिलेटेड है, मुंह से, सुनवाई से, भाषण या फिर जीभ से। तो यहाँ पर अब आंसर्स यानी ऑप्शंस मेरे साथ आने शुरू हो गए हैं। दीपक रजक जी कहते हैं ए होगा, कुछ लोग कह रहे हैं सी होगा, तो चलिए देखते हैं ए और सी में से आंसर क्या। तो अब देखिए कोई शिकायत नहीं कर सकता सर इंग्लिश में लाएं या फिर हिंदी में लाएं, क्योंकि मैं दोनों में ही एक साथ दोनों चीजों को आपके सामने रख रहा हूं। तो जल्दी से अब मुझे सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आंसर करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। यहां पर अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग ए भी कहते हैं। तो ए सी डी यहां पर आंसर आ गए, यानी अलग अलग ऑप्शंस मेरे पास में आ गए, चार में से तीन आंसर्स आ रहे हैं, ए डी सी ए ए डी। तो देखिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि भाषण मीन्स स्पीच। देखिए भेंगापन हम सभी जानते हैं कि भेंगापन जब होता है तो उससे हमारी क्या चीज बाधित होती है, वो है दृष्टि, विजन में प्रॉब्लम आती है। जब भी कभी हमें किसी भी पर्सन को अगर भेंगेपन की बीमारी है, ठीक है, अगर किसी को भी बीमारी है स्क्विंट की, तो उससे उसकी दृष्टि बाधित होती है, उसको देखने में प्रॉब्लम होती है। स्टैमरिंग का मतलब क्या है, स्टैमरिंग का मतलब जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं हकलापन, ठीक है, जो हम हकलापन जिसको कहते हैं वाक स्खलन, उसको शुद्ध हिंदी में कहा जाता है। तो इससे प्रॉब्लम किस चीज में होती है, भाषण में, यानी कि बोलने में, स्पीच में जो है प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से यहां से
जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो यहां से आंसर आएगा सी। तो जितने लोगों ने आंसर दिया सी वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। और यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं, आशीष जी कह रहे हैं सर केवीएस एलडीसी का रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट मंथ में आपको जो है रिजल्ट उसका देखने को मिल जाए। एग्जैक्टली जो है नहीं कहा जा सकता डेट क्या रहेगी, बट उम्मीद है होपफुली कि नेक्स्ट मंथ में आपको उसका रिजल्ट मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद कुछ कह रहे हैं, देखिए अब हिंदी में इंग्लिश में प्रोवाइड कीजिए। अब देखिए मैं दोनों पे ही प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम क्या है फिर? इसमें तो कोई इशू बचता नहीं क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही चीजें दिखा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे हिंदी इंग्लिश में दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो नंबर्स पर बेस्ड था, तो यहां पर कोई हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। आंसर मुझे बताएंगे कि 2 किससे रिलेटेड है, 7 से, तो सिमिलरली 6 किससे रिलेटेड होगा। तो जल्दी से मुझे बताएंगे यहां पर आंसर क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है। आप इस क्वेश्चन का दीजिए मुझे आंसर एंड आई विल बी जस्ट राइट बैक टू यू। तो देखते हैं फिर कितने लोग मुझे सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि अभी तक तो किसी ने आंसर नहीं किया है। तो चलिए जल्दी से यहां पर अब देखिएगा, 2 इज रिलेटेड टू 7, यानी कि 2 जिस तरह से 7 से रिलेटेड है, इस तरह से 6 किससे रिलेटेड होगा। आप मुझे जल्दी से बताएंगे आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा, देखते हैं इसके बाद आंसर क्या रहने वाला है। अभी तक आंसर नहीं आया है। और जल्दी से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। और देखिए इस क्वेश्चन में कोई हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स पर बेस्ड है, तो इतना हम सभी समझते हैं। 2, 7, 6, 40, 39, 18, 72 नंबर्स लिखे हुए थे, तो आंसर आया यहाँ पर बी। राहुल कुमार जी सबसे पहले आंसर देते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वाकई बी होगा या फिर नहीं। बाकी लोग अभी भी आई थिंक जो है इस पर वर्किंग है, सी बी ऑप्शन दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, तो देखिए चलिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, लॉजिक भी आइए समझते हैं। देखिए 2, 7 से रिलेटेड था, हमसे पूछा गया 6 किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, तो देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना बनेगा 4, और 4 में कर दिया जाए प्लस 3 तो रिजल्टेंट कितना बना 7। 2 का स्क्वायर प्लस 3 7, तो इसी तरह से 6 का अगर आप स्क्वायर कर देते हैं तो कितना बनेगा 36, और प्लस 3 कर दिया जाए तो रिजल्टेंट क्या बनेगा 39, यानी 6 किससे रिलेटेड होगा इस तरह से 39 से, जो कि था आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर बिल्कुल सभी लोगों ने मुझे अभी आंसर दिया है 39, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जितने लोग बी कह रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं था, बस क्या किया था, नंबर का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 3 7, 6 का स्क्वायर प्लस 3 39, और ये लीजिए आपके सामने आ गया आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये सामने आपके अगला प्रश्न, जल्दी से मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहां पर। ठीक है, तो लिखा हुआ है हैंड इज रिलेटेड टू ग्लोव, सो हेड इज रिलेटेड टू व्हाट, हेयर, हेट, नेक या फिर हेयर पिन। तो जल्दी से ये इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा, मैं इसको हिंदी में भी आपको दिखा देता हूं। लिखा हुआ है हाथ रिलेटेड है किससे, दस्ताने से, तो सिर किससे रिलेटेड है, बाल से, हेड से, गर्दन से या फिर हेयर पिन से। तो जल्दी से आप मुझे आंसर बताएंगे, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्वेश्चन को, जल्दी से कर दीजिएगा सभी लोग यहां पर शेयर। देखते हैं उसके बाद कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तो यहां पर भी आंसर आ रहा है हेट, लोग कह रहे हैं कि हेट होना चाहिए आंसर, तो चलिए देखते हैं हेट होगा या फिर नहीं होगा। बहुत सिंपल सा और सीधा सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं इसको इंग्लिश में दिखा देता हूं। हैंड इज रिलेटेड टू ग्लव, सो हेड इज रिलेटेड टू व्हाट, जिस तरह से हाथ जो है दस्ताने से संबंधित, इस तरह से सिर किससे संबंधित है, बाल से, हेड से, गर्दन से या फिर हेयर पिन से। तो आंसर यहां पर आया बी, यानी कि हेड। जी बिल्कुल, जिस तरह से हाथ में क्या पहना जाता है, दस्ताना यानी कि ग्लव, उसी तरह से हेड पर यानी कि सिर पर क्या पहना जाता है, हेट यानी कि टोप। तो बिल्कुल यहां से सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेड। तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया सभी ने आंसर दिया, और यहां पर जो आंसर है वो क्या हो गया, हेट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ था 4 इज रिलेटेड टू 12, तो 7 इज रिलेटेड टू व्हाट, तो जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या रहेगा, 35, 70, 42 या फिर 23। तो चलिए आंसर अब मुझे बताएंगे यहां पर आंसर क्या होगा इस अगले प्रश्न का, और इसको भी हिंदी या इंग्लिश में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम सिंपली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएंगे आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, 4 जो है वो 12 से रिलेटेड है, उसी तरह 7 किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ रहा है टोप यानी कि हेड, तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर आंसर इस क्वेश्चन का आपने देना है, तो कुछ लोग यहां पर
कहते हैं 42, कुछ लोग कह रहे हैं बी यानी कि 70, कुछ लोग सी ऑप्शन देते हैं, आरजे कहते हैं 42 होगा, दीपक जी कह रहे हैं बी यानी कि 70, 42 और बी सी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप सभी लोग मुझे बताएंगे और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोहित सिंगल जी बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे आप, देखते हैं कि कितने लोग मुझे सही आंसर देते हैं, सी और बी अलग अलग आंसर आते जा रहे हैं मेरे पास, तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन का, होगा सी, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि देखिए 4 लिखा हुआ था किससे रिलेटेड है, 12 से, 4 का प्रीवियस नंबर क्या होता है, 4 का जो प्रीवियस नंबर होता है पिछला नंबर क्या होता है 3, इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो रिजल्टेंट क्या बनेगा 12, यानी 4 दिया 12, 4 से पहले आने वाले नंबर में से मल्टीप्लाई कर दी गई। इसी तरह से अगर हम बात करें 7 की, तो 7 का प्रीवियस नंबर क्या होता है 6, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट क्या बनेगा 42, तो यहां से जो आंसर आया वो क्या हो गया 42, 23 या फिर 70 या 35 बिल्कुल आंसर नहीं होगा, जो यहां से सही आंसर बनेगा वो क्या होगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो स्क्वायर यहां पर स्क्वायर वाला लॉजिक लगा के बता रहे हैं वो भी सही है आरके जी, क्योंकि वो लॉजिक वहीं पर घूम के आ जाएगा, बात वो भी सही है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 या 7 का स्क्वायर माइनस 7, क्योंकि वो एक पिछले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस क्या किया, 4 के पिछले नंबर में से मल्टीप्लाई, तो 4 दिया 12, तो 7 के पिछले वाले नंबर से मल्टीप्लाई, तो 7 × 42 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो इसलिए सही आंसर बना यहां से ऑप्शन नंबर सी मींस 42, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं और शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सभी के आंसर ज्यादातर सही भी आ रहे हैं, तो वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ था फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल, देन बुक इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है, यानी फ्लावर जिस तरह से पेटल से रिलेटेड है तो बताइए किताब यानी कि बुक किससे रिलेटेड है, पेज, प्राइस, ऑथर या फिर लाइब्रेरी। तो चलिए मैं इसको हिंदी में भी आपको दिखा देता हूं, फूल जिस तरह पंखड़ी से रिलेटेड है इसी तरह से पुस्तक किससे संबंधित होगी, किससे रिलेटेड होगी, पन्ना, मूल्य, लेखक या फिर लाइब्रेरी। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, पन्ना, मूल्य, लेखक या फिर पुस्तकालय मींस लाइब्रेरी। तो जल्दी से मुझे बताएंगे, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों चीजें आपको दिखा दी हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है यानी कि पेज ए ऑप्शन दे रहे हैं, ज्यादातर लोग मुझे ए आंसर कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या वाकई ऐसा होगा। तो हमें यहां पर समझना होगा कि फूल और पंखड़ी का क्या रिलेशन है, देखो फूल किससे मिलकर बना होता है, पंखड़ियों से मिलकर, पंखड़ियों से मिलकर के एक फूल बनता है, ठीक है, किसी भी फूल में छोटी छोटी पंखड़ी मिलती है तो फिर क्या होता है फूल बन जाता है। इसी तरह से पुस्तक किससे मिलकर बनती है, किताब किससे मिलकर बनती है, तो आंसर आएगा पन्ना, यानी कि जो पेजेस होते हैं पेजेस से मिलकर के एक बुक बनती है, तो इसलिए यहां से जो ऑप्शन नंबर ए है पेज वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया यहां पर क्या पेज। तो जितने लोग मुझे यहां पर आंसर दे रहे हैं ए वो सही है, लेकिन कुछ लोग डी कह रहे हैं, तो डी आंसर नहीं होगा, ठीक है, डी तो तब होता अगर वो फूल को गुलदस्ते से रिलेटेड बताया, ताकि फूल मिलाकर के गुलदस्ता बनाते हैं, इस तरह से किताबें मिलाकर के लाइब्रेरी बनती है, लेकिन यहां पर उल्टा था, फूल किससे मिलकर बना, पंखड़ी से, तो किताब किससे मिलकर बनी, पेज से यानी पन्नों से, तो इसलिए जो आंसर रहेगा यहां पर विशाल सिंह जी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का जो यहां पर ऑप्शन नंबर ए पेज यानी कि पन्ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये लीजिए सामने आपको प्रश्न, अब देखिए इसको भी हिंदी या इंग्लिश में नहीं किया जाएगा क्योंकि अल्फाबेट पर बेस्ड है, तो हिंदी में भी जो ऑप्शन है वो ऐसे ही रहेंगे, कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, यानी इसको कोई ए बी सी ए और आ नहीं लिखा जाएगा, सेम ही रहेगा, तो इसलिए इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आंसर बताएंगे जल्दी से मुझे सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा। यहां पर इरशाद जी कह रहे हैं हिंदी सेशन है, देखिए हिंदी सेशन नहीं है, जो सेशन है वो रीजनिंग का ही है, एनालॉजी की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी हमारे कैंडिडेट को लैंग्वेज में, तो इसलिए आज मैं जो है इस सेशन को बायलिंगुअल रख करके लाया हूं, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस की बात यहां पर की जा रही है। विशाल जी बिल्कुल आपका नाम क्यों नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा कि सी डी जो है रिलेटेड है आईपी से है, तो आप मुझे बताएंगे ई बी किससे रिलेटेड होगा, तो जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। तो चलिए आंसर यहां से क्या होगा देखते हैं, इसके बाद देखेंगे इसके बाद आंसर क्या रहने वाला है, तो सी डी आई पी से रिलेटेड है, तो बताइएगा यहां पर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहां पर आंसर आ रहा है बी, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या रहेगा। ओके चलिए बढ़ते हैं फिर जल्दी से आंसर की तरफ। तो अब यहां पर देखिए कुछ लोग कह रहे हैं इरशाद जी फर्स्ट सीन इन हिंदी, देखिए बिल्कुल, तो आप इसको हिंदी या इंग्लिश पहले बाद में कोई भी लिखे, हमें दिख जाना चाहिए, हमें समझ आना चाहिए, बस इतना ही हमारे लिए काफी होगा, हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो देखो सी डी किस तरह से रिलेटेड था आई और पी से, अगर मैं सी और डी की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये कितनी है 3 और ये कितनी है 4, सिमिलरली ये रिलेटेड था आई से और ये था पी से, यानी कि 9 और ये कितना था जो है यहाँ पर 16, ठीक है,
ये कितना था यहाँ पर 16, तो ये अब देखो 3 में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 9 प्लेस वैल्यू वाला आ गया। 4 में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो 4 जा 16 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से ई बी हमें देखना है किससे रिलेटेड होगा, तो ये कितना है 5 और ये कितना है 2, तो 5 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना आएगा यहाँ पर वाई। ठीक है, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी होना चाहिए था, वो थोड़ी सी भाई ऑप्शन में यहाँ पर एरर हो गया, देखिए ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई टाइपिंग में, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या आता है यहाँ पर लॉजिक, 3 थी इसकी प्लेस वैल्यू सी की, तो 3 का स्क्वायर कर दिया, यानी 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना बना 9, तो 9 प्लेस वैल्यू वाला लेटर लिख दिया। इसी तरह से 4 थी तो 4 का स्क्वायर कर दिया, 4 जा 16, तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया 16। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर जो है वो होना चाहिए वाई डी, करेक्ट बिल्कुल। तो अब देखो ई में 5 प्लेस वैल्यू, तो 5 का स्क्वायर 25 यानी वाई, और 2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो 4 यानी कि डी होना चाहिए, तो ये यहाँ पर आंसर होना चाहिए था। थोड़ा सा टाइपिंग में जो है कुछ इश्यू हो गया है, तो चलिए बिल्कुल इस चीज़ को आप समझ लें। और दीपक जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग भी अच्छे होंगे। और दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा से, तो बिल्कुल सभी का स्वागत है, देश के अलग अलग हिस्से से, सिक्किम, कश्मीर, असम, पंजाब, हरियाणा, सभी से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन था उसमें थोड़ी सी टाइपिंग में इश्यू हो गया था, तो इसलिए बिल्कुल यहां पर जो आंसर है वो वाई डी होना चाहिए, बिल्कुल वाई ए की जगह वाई डी होना चाहिए, वो थोड़ा सा टाइपिंग का इश्यू है, तो प्लीज उसको कॉपरेट करिएगा, इग्नोर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को समझ जाइएगा। ठीक है, और परमवीर जी कह रहे हैं देखिए अल्फाबेट को याद रखने का सबसे बढ़िया सीक्वेंस है उसको आप लिख करके याद करें, थोड़ी देर अगर आप 5-6 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे डेफिनेटली हो जाएगा। रेंडमली प्लेस वैल्यूज उनकी लिखना सीखें कि यानी W की प्लेस वैल्यू क्या होगी, R की प्लेस वैल्यू क्या होगी, T की क्या होगी, P की क्या होगी या A की क्या होगी, सबकी रेंडम प्लेस वैल्यू लिखें, 5-6 दिन की प्रैक्टिस में बाय डिफॉल्ट ये चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा वाई डी, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया। और विशाल जी कह रहे हैं उत्तराखंड वाले भी हैं, तो ये लीजिए भाई हमारे साथ उत्तराखंड से भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, तो यानी देश के हर लगभग हर राज्य से हमारे साथ जो है व्यूअर्स हैं, बहुत बढ़िया। और इसके बाद जितने लोग यहाँ पर दीपक जी अगर आप आंसर वाई डी कहते हैं तो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जवाब। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा, 2460 तो 120 किससे रिलेटेड होगा, यानी 24 अगर रिलेटेड है 60 से तो 120 किससे रिलेटेड होगा। और आशीष कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, आपका बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया। और दीपक जी कह रहे हैं कि भिलवाड़ा वाले भी हैं, तो लीजिए वही है कि अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, और विशाल जी कह रहे हैं कि सर साइड में जो नंबर आ रहा है उसमें क्या हम कॉल कर सकते हैं, जी बिल्कुल वो आप ही के लिए है, आप उस पर बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज जो भी हैं आप उसके रिलेटेड आप बिल्कुल बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी लोग जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, दीपक सोलंकी जी कह रहे हैं मेरा भी नाम लो सर, तो आंसर बताइए दीपक जी जल्दी से। और यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 300 यानी कि 300, तो देखो अब यहाँ पर बिल्कुल आप देखिएगा, अगर मैं देखूँ 20 और 60 में क्या रिलेशन था। ठीक है, तो 20 और 60 में कुछ ऐसा रिलेशन था, अगर मैं कहूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है तो कितना आएगा 60, अगर 20 में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 24 दूनी 48 और आधा जोड़ देंगे 12, कितना हो गया 60। तो सिमिलरली अगर आप 120 इसमें यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 2.5 से 120 में, ठीक है तो इसका जो रिलेशन है वो किससे बनेगा 300 से, यानी एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया हमने क्या 2.5 और उससे मल्टीप्लाई कर दी, ढाई गुना करके उसको सामने लिखा हुआ था, तो बिल्कुल यहां से आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा यहां पर 300। तो हेमंत मित्तल जी उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑप्शन हो जाएगा यहां से सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल देखेंगे इसके बाद यहां पर जी बिल्कुल मल्टीप्लाई बाय 2.5 किया गया था, ढाई गुना करके उस नंबर को लिख दिया गया था बस सामने, तो बहुत सीधा और बहुत सरल सा लॉजिक था यहां पर। और हेमंत मित्तल जी कहते हैं मैं राजस्थान जयपुर से हूं, तो भाई पिंक सिटी से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, बड़ा ही खूबसूरत शहर है, बड़ा ही अच्छा शहर है, अपने कल्चर के लिए जाना जाता है ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी। तो जल्दी से मुझे बताएंगे टिमिड इज रिलेटेड टू डोंकी, तो कनिंग इज रिलेटेड टू व्हाट, आंट, फॉक्स, रैबिट, हॉर्स। ठीक है, अब इसको मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं, लिखा हुआ है कातर रिलेटेड है गधा से, तो चालाक किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे आंसर क्या होगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जल्दी से अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा हिंदी और इंग्लिश, मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी हैं यहां पर, तो मैं एक बार फिर से इंग्लिश वालों को भी दिखा देता हूं, टिमिड डोंकी
रिलेटेड है, तो सिमिलरली कनिंग किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, और फिर से हिंदी में कातर रिलेटेड है गधे से, तो चालाक किससे रिलेटेड है, तो जल्दी से मुझे आप बताएंगे। और प्रवीण जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ते हैं, तो बहुत बढ़िया भाई, आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ भी, तो जल्दी से यहाँ पर आंसर आया बी यानी कि फॉक्स। फॉक्स का मतलब हम सभी समझते हैं लोमड़ी, तो चलिए देखते हैं। उड़ीसा से भी हमारे साथ में एक व्यूअर हैं, तो चलिए जल्दी से अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कीजिएगा। कुछ लोग सी और कुछ लोग बी कहते हैं, देखिए सी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा बी। कातर का मतलब होता है ऐसी चीज जो जल्दी से डर जाए, मतलब डरपोक जिसे हम कह देते हैं, तो गधा होता है ऑब्वियस डरपोक होता है, ठीक है बिल्कुल। तो चालाक किसे कहा जाता है, कनिंग यानी धूर्त किसे कहा जाता है, लोमड़ी को, तो यानी जो चालाक है जो कनिंग है किससे रिलेटेड होगा, फॉक्स से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि लोमड़ी से जो है रिलेटेड होगा यहां पर। तो बिल्कुल यहां से रैबिट नहीं होगा आंसर, कुछ लोग रैबिट भी कह रहे हैं, रैबिट आंसर नहीं होगा यहां से। जो सही जवाब बनेगा गाइस वो बनेगा फॉक्स यानी कि लोमड़ी। बचपन से हम कहानियां सुनते आ रहे हैं कि लोमड़ी बड़ी धूर्त होती है ना, तो ये चीज यहां पर इंप्लीमेंट हमें करनी थी कि जो जल्दी से डर जाए उसे हम गधा कहते हैं, यानी कि जो कातर से मतलब जो ऐसा जो ज्यादा सोचे समझे ना उससे कुछ भी कह दो वो डर जाए, तो ऐसा किसे कहा जाता है, जैसे किसी को कहते हैं ना कि अगर कोई बेवकूफी वाला काम कर दे तो उसको बोल जाता है कि बिल्कुल गधे हो तुम, तो वैसे ही चालाक किसे कहा जाता है, यानी लोमड़ी को, जानवरों में लोमड़ी को चालाक यानी कि जो है धूर्त कहा जाता है। तो बिल्कुल यहां से सही आंसर हुआ और आंसर जो है जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा फॉक्स। तो यहां पर दिनेश लोहिया जी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो सेशन है वो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो हंसी है और आपके जो एक्सप्रेशन है उससे मुझे समझ में आ रहा है। और आशीष कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया इसका। और देखिए गुजरात से भी हमारे साथ में लोग जुड़े हैं, तो मतलब देश के लगभग हर स्टेट से जो है मैं देख रहा हूँ हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा होता 392 इज रिलेटेड टू 28, तो सिमिलरली 722 इज रिलेटेड टू व्हाट, जल्दी से मुझे बताएंगे यहाँ पर आंसर क्या रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बताएंगे 392 इज रिलेटेड टू 28, 722 इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शंस हैं आपके सामने 18, 28, 38 एंड 48, ये आपके सामने जो है वो ऑप्शंस हो गए, तो जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद यहाँ पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी बिल्कुल दिनेश सर जी आ गए हैं भाई, आप लोगों के फेवरेट हैं हमारे साथ में, मेरे भी फेवरेट हैं, तो वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तो चलिए बिल्कुल बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। इस बीच सारी बातें ठीक है लेकिन हमें अपने कंसेप्ट से अपने गोल से नहीं भटकना है, क्योंकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आना चाहिए। तो दुर्गा प्रसाद जी सबसे पहले आंसर देते हैं 18, तो चलिए देखते हैं 18 होगा या नहीं होगा आंसर, तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद जल्दी से मुझे बताएं आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, कुछ लोग कह रहे हैं डी, कुछ लोग कहते हैं ए और कुछ लोग कह रहे हैं 18, तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दीपक सोलंकी जी ए कह रहे हैं, राहुल कहते हैं डी, और गजानन जी कह रहे हैं 22 होगा आंसर, तो 22 तो भाई ऑप्शन में ही नहीं है, कोमिला हीर जी भी 22 कहते हैं, बट 22 इज नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शन, सो ये तो करेक्ट नहीं होगा। और बिल्कुल भाई दिनेश लोहिया जी की बात को बिल्कुल माना जाए कि लाइक और शेयर जरूर किया जाए सेशन को, तो यहाँ पर 18 जो है वो आंसर आ रहा है। तो देखिए चलिए अब मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, और आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए 392 रिलेटेड दिखाया मैं किससे, 28 से, अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर दूं, देखो अगर मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दूं, इस नंबर को भी 2 से डिवाइड कर दूं, समझिएगा सिंपली, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जाए 2, यहां पर बनेगा यानी कि 9 और यहां पर आ जाएगा 6। अब देखो यहां पर करोगे तो ये कितना बनेगा 14, और 14 और 196 में क्या रिलेशन है, 14 का स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना बनता है 196, यानी आप ये कह सकते हो इन नंबर्स का हाफ करके उनका स्क्वायर किया गया था, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि 28 में यानी 14 का स्क्वायर किया और उसमें मल्टीप्लाई कर दी 2 से, दोनों नंबर्स में, यानी इन दोनों का स्क्वायर लिखा और 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये बन गया 28 और ये बन गया 392। तो सिमिलरली अब हम देखें 722 लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 2 3 6, 1 बचेगा, यहाँ पर आएगा कितना 6 आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 366, ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी 361 आएगा यहाँ पर, ठीक, तो ये आ गया 361। तो 361 जो है किसका स्क्वायर होता है गाइस, 19 का, यानी ये वाले फॉर्म में हमें नंबर मिल गया, तो हमें इसका भी क्या करना है, डबल करेंगे तो ये कितना आएगा 38, यानी 19 का स्क्वायर लिखा था 361, तो हम इनके डबल कर देने, तो 19 का स्क्वायर डबल कर देंगे तो कितना आएगा 38, तो यहां से जो ऑप्शन बनेगा वो कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इजीली अब समझ गए होंगे, हमने क्या किया था कि जो नंबर से उनका हाफ किया और वहां से रिलेशन समझ में आया कि स्क्वायर लिखे हुए थे, 14 का स्क्वायर किया 196, दोनों को डबल करके लिख दिया 392 28। सिमिलरली यहां पर लिखा होता 722, तो इसको हमने हाफ कर लिया तो कितना मिला हमें 361। 361 किसका स्क्वायर होता है 19 का, और 19 का डबल किया तो मिला 38, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है आर्किटेक्ट रिलेटेड है किससे, बिल्डिंग से। तो फिर इसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए स्कल्पचर किससे रिलेटेड होगा। तो चलिए मुझे बताएंगे यहां पर आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से सभी लोग, और मैं इसको हिंदी में भी आपको दिखा देता हूं। देखिए यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 + 9 + 2 = 14 × 2, तो यहां पर देखिए ऑप्शन भी अवेलेबल होना चाहिए उस तरह से, और 3 + 9 = 14 × 2 तो 28, तो चलिए इस हिसाब से फिर ऑप्शन भी हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से यहां पर रोमन सिंह जी, बिल्कुल ऐसी चीजें आपको मिलती हैं एग्जाम में जहां पर हम नहीं सोचते हैं, बट वो अक्सर हमें मिल जाती हैं, और आप ऐसा सोचें, आपको ऐसे थॉट्स डेवलप किए जाएं, आपके दिमाग में ऐसे ट्रिक्स बने, इसी के लिए मैं आपके साथ यहां पर जुड़ता हूं। तो इस चीज को मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं। वास्तुकार जिस तरह से भवन से रिलेटेड है, मूर्तिकार किससे रिलेटेड होगा, संग्रहालय से, स्टोन से, छेनी से, या फिर मूर्ति से, ठीक है। तो ये आपके सामने ऑप्शंस आ गए, तो मुझे आंसर्स भी मिल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं ए, बी, डी। तो यहां पर चलिए देखते हैं इसके बाद आंसर क्या होगा। सचिन जी कह रहे हैं मैंने सबसे पहले बताया, और मिलन भास्कर जी कहते हैं स्टोन होगा, तो चलिए देखते हैं स्टोन होगा या फिर नहीं। तो देखिए वास्तुकार क्या बनाता है, जो आर्किटेक्ट है वो क्या बनाता है, भवन, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाता है। इसी तरह से मूर्तिकार क्या बनाता है, मूर्तियां बनाता है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहां से डी होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, बिल्कुल सही है, यानी कि यहां से जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्टैच्यू इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आर्किटेक्ट बिल्डिंग्स बनाता है, स्कल्पचर जो है वो स्टैच्यू बनाता है, ठीक है। और चलिए मुझे यहां से बताइएगा अब इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से सभी लोग, ऑप्शन नंबर डी अभी मेरे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है एनालॉजी पर बेस्ड अक्सर मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहां पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन और मैं आपसे अपनी तरफ से पूछ लेता हूं, उसके बाद हम सेशन के एंड की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा मैं ड्रैग नहीं करूंगा, यानी कि शॉर्ट टाइम में ज्यादा चीजें सीखेंगे, ज्यादा आपका समय बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मुझे बताइएगा, मैं यहां से कहता हूं, अगर सपोज मैंने कहा 7 is related to, ठीक है, मैंने कहा यहां पर 7 is related to, सपोज मैंने कह दिया 6, ठीक है, 7 is related to 6, तो बताइए 10 is related to what, ठीक है, 10 is related to what, 7 is related to 6, सो 10 is related to what। और यहां से इसके बाद आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं, लिखा हुआ है 10, लिखा हुआ है 12, लिखा हुआ है 14, और लिखा हुआ है 15। तो जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन का आंसर मुझे आप क्या देते हैं यहां पर। तो यहां पर तो बिल्कुल आंसर आ गया मुझे इस क्वेश्चन का, सभी ने बताया डी, तो वेरी गुड। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे करिएगा, कुछ लोग 9 बता रहे हैं लेकिन 9 ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। और दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोमिला हिर जी भी 9 कह रहे हैं। देखिए भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने चलना है, 9 जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है तो 9 कैसे आंसर हो सकता है, ठीक है। और राजीव जी ये जलंधर से है, तो बिल्कुल आपका जो है क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर होगा जलंधर। तो यहाँ पर 9 मुझे बड़ी जल्दी से सभी ने आंसर दिया, बट अनफॉर्चुनेटली 9 ऑप्शन में था ही नहीं। इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 7 - 1 = 6, तो 10 - 1 = 9 कर दिया, ऐसा भी नहीं होगा। तो मुझे दूसरा आंसर बताएं यहाँ पर आंसर क्या होगा। सुखदीप जी कहते हैं 12, तो चलिए अब यहां पर सभी ने मुझे जल्दी से आंसर तो दे दिया 9, लेकिन ऑप्शन में तो था ही नहीं, और इतना इजी भी नहीं पूछा जाएगा, आप समझिएगा, ठीक है, कि 7 - 1 = 6, 10 - 1 = 9, तो ये तो कोई भी बता देगा भाई, इतने भी इजी चीजें नहीं पूछी जाएंगी। तो यहां पर आंसर क्या होगा, आंसर होगा बिल्कुल यहां से 12, ठीक है, बिल्कुल जो है 12 होगा आंसर, ठीक है। कैसे होगा, अगर मैं 7 में मल्टीप्लाई करूं 2 से तो कितना आएगा 14, और माइनस कर दिया गया 8, ठीक है, 8, ठीक, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जिससे मल्टीप्लाई की उसी का क्यूब माइनस कर दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 का क्यूब माइनस कर दिया, मींस मल्टीप्लाई की हमने कितने से 2 से, ठीक है, और उसके बाद माइनस कर दिया हमने कितना 2 का क्यूब, तो रिजल्टेंट देखो कितना आएगा, 2 का क्यूब बनेगा 8, और 14 - 8 तो कितना आ जाएगा यहां पर 6। इसी तरह से आप इसमें भी जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट कितना होगा 20, और माइनस करेंगे 2 का क्यूब तो कितना आएगा यहां पर 8 माइनस करने पर 12, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
ठीक है, तो यहां पर जो आंसर बना वो क्या बना, 12 बना इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बिल्कुल जितने लोग पूछ रहे हैं यहां पर, आयुष श्रीवास्तव जी कह रहे हैं हाउ, तो उन्हें समझ में आ गया होगा 12 कैसे है, यानी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई की और उसी 2 का क्यूब माइनस कर दिया यहां से, तो इसलिए जो आंसर बना वो क्या बना, 12, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, उम्मीद कर रहा हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ आज हमने 10-12 क्वेश्चंस देखे, तो उम्मीद करता हूं, आई होप कि ये चीज आपको सभी को समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस में आपको नहीं होगी। और इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के सेशंस एक बार फिर से आपके सामने लेकर के हाजिर रहूंगा, तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा। आशीष कुमार जी कहते हैं आप इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई भी मास्टर आपके आगे फेल है। जी बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं तो बस इतना चाहता हूं कि कोई फेल हो या ना हो, लेकिन आप लोग एग्जाम में पास हो जाएं, बस यही मेरा मोटो है, यही मेरा जो है यहां आने का एक गोल है। और बस मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज जो है यहां पर आप फुलफिल भी करेंगे, जो मेरी उम्मीदें हैं उन पर आप खरे भी उतरेंगे। परमवीर जी शुक्रिया आपका भी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अक्सर मिलते हैं, तो अगर देखिए जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर और थोड़ा पढ़ाइए, ठीक है, और ट्रिकी ही क्वेश्चन था, तो बिल्कुल अगर आपको क्वेश्चन जो है अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मैं देख रहा हूँ जितने लोग मेरे साथ हैं उसके आधे लाइक्स हैं बस, ये बड़ी गलत बात है भाई, बहुत ही नाइंसाफी है, ठीक है, बहुत गलत बात है, पाप लगाएगी माता रानी, याद रखना। अगर सेशन पसंद आया फिर भी लाइक नहीं किया, सेशन जब लाइक आ रहा तो लाइक करिए, उसमें क्या कंजूसी है। अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं और भी लेकर के आऊंगा, और जितने लोग कह रहे हैं सर सम मोर क्वेश्चन, फ्यू मोर क्वेश्चंस, तो बिल्कुल परेशान ना हो, सेशंस अभी हमारे सामने और बहुत हैं, टाइम अभी हमारे पास है, तो सभी टॉपिक्स को मैं कवर अप करूंगा और उन पर क्लासेस जो है अपनी लगती रहेंगी, ठीक है। और जो कुछ लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्लास कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास जो है कल मीन्स मंडे टू सैटरडे में लाइव होता हूँ 9:30 बजे, जहां पर बात करता हूं SBI रीजनिंग की, और 1 बजे दोपहर में लाइव होता हूं रीजनिंग जो है रेलवेज के रिगार्डिंग। तो 9:30 और 1, ये दो टाइमिंग्स आप अच्छे से याद कर लीजिए, और आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता होगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और अगर नहीं किया तो जरूर करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर भी अगर किसी को कोई इश्यूज है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप क्या करें, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ ही उसका एक और फायदा कि ये जो क्वेश्चंस में यहां पर मैंने आपको दिखाए, इनका PDF फॉर्मेट भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा, हर एक शो का, जो भी शो होगा वहां पर, जो भी हम स्लाइड्स यहां पर रखते हैं उनको PDF फॉर्मेट में आपको वो मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो इसलिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए थैंक यू सो मच, जितने भी नए लोग मेरे साथ जुड़े सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो हैव ए गुड day and bye-bye.